कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। अब इनमें से बड़ी फेमस केमिकल रिएक्शन है, क्लास 8 में पढ़ाई जाती है, डी पे टिक लगा देंगे फिर भी। इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका ये है कि ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि मैग्नीशियम का सॉल्ट सॉल्यूशन है, फिर जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो हमको पता है कि कोई मेटल, यहाँ पे मेटल दिया आयरन, आयरन लेड और आयरन, करेक्ट, ऐसे ही दिया हुआ है, चेक कर लीजिए एक बार क्वेश्चन, आयरन आयरन लेड, ठीक है, पीवी का मतलब लेड आयरन, ठीक है। तो हमको ये चेक करना है, देखिए पहले दिमाग लगाइए क्या कि ये मेटल यहां से मेटल सल्फेट्स में से मेटल को तभी डिस्प्लेस कर पाएंगे बच्चों जब ये वाला मेटल इन मेटल से क्या हो, ज्यादा रिएक्टिव हो, यानी कि इधर आपको बस वो वाला ऑप्शन चेक करना है जहां पर यहां आने वाला मेटल, यहां आने वाले मेटल से कहां आता हो रिएक्टिविटी सीरीज में, ऊपर आता हो, क्योंकि हमको पता है कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आते हैं मेटल दे आर मोर रिएक्टिव देन नीचे वाला। तो ऊपर वाले मेटल अपने से नीचे वाले मेटल के सल्फेट में से मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे, ये बात हमको पता है क्लास में बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है। तो आइए जरा चेक करते हैं, ये आयरन है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है, चेक करिए क्या आयरन मैग्नीशियम के ऊपर आ रहा है, चेक करो क्या आयरन मैग्नीशियम के ऊपर आ रहा है, नहीं, आयरन तो मैग्नीशियम के नीचे आ रहा है, इसका मतलब आयरन मैग्नीशियम से मोर रिएक्टिव नहीं है, आयरन इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो आयरन तो मैग्नीशियम का डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा। क्या आयरन जिंक से ऊपर आ रहा है, नो, चेक करो आयरन जिंक से नीचे आ रहा है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आयरन जिंक को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद लेड, पीबी, क्या लेड मैग्नीशियम से ऊपर आता है, चेक करिए जाके क्या लेड मैग्नीशियम से ऊपर आता है, नो, तो लेड भी मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा, तो ये भी गया। क्या आयरन कॉपर से ऊपर आता है, यस, क्लास 8 में रिएक्शन पढ़ाई जाती है, तो बहुत इजी, तो चेक करो ये रहा आयरन, आयरन कॉपर से यहां रहा कॉपर, तो ऊपर आता है, तो आयरन क्या करेगा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करा देगा। और आपको रिएक्शन भी याद हो अगर मैं फटाफट बता दूं तो कॉपर सल्फेट एक्वस जब हम लेते थे याद है आपको, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट एक्वस कैसा होता था ये, मेरे ख्याल से कैसा होता था ये, ब्लू कलर का होता था, याद है, ठीक है। उसके बाद क्या होता था जब हम इसमें आयरन डालते थे आयरन की पीस, तो ये आयरन को डिस्प्लेस करता था, क्या बनाता था, FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट एक्वस, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनाता था। अब यहां से कॉपर हट गया तो जो कॉपर होता था वो कॉपर की नेल में, मैं क्लास में मैंने दिखाया भी होगा आपको, ठीक है, कॉपर की नेल में लग जाता है, सॉलिड फॉर्म में आपको कॉपर मिल जाता है, तो कॉपर डिस्प्लेस हो गया, आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, इसलिए हमने ऑप्शन डी पे टिक लगा दिया। बताइए कोई डाउट है, हाँ कर लीजिए। और बच्चों ये सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाता है, ये मैं बताना भूल गया था, ठीक है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ग्रीन, तो ब्लू सॉल्यूशन से सॉल्यूशन कैसा हो जाता है हमारा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, ओके।